तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो से उर्दू ग्रामर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एपिसोड स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 5 पार्ट में उर्दू ग्रामर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जी हाँ, 5 पार्ट था और हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन करा के उर्दू ग्रामर के हम लोग टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आज के इस वीडियो से जो उर्दू ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये एपिसोड में चलेगा। आज का ये पहला वीडियो है, यानी कि एपिसोड 1, पहला एपिसोड। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो एपिसोड 2 होगा, यानी कि अब एपिसोड वाइज चलेगा, एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का टाइटल क्या है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उर्दू ग्रामर ऑब्जेक्टिव एपिसोड 1, और इसी तरह इसका नेक्स्ट वीडियो का टाइटल उर्दू ग्रामर ऑब्जेक्टिव एपिसोड 2। अगर आप लोग को सर्च भी करना होगा तो इसी तरीके से यूट्यूब पर सर्च करेंगे उर्दू ग्रामर ऑब्जेक्टिव एपिसोड 1, और लास्ट में वाई मुस्कान मैम भी लगा सकते हैं, और फिर उर्दू ग्रामर ऑब्जेक्टिव एपिसोड 2 वाई मुस्कान मैम। ठीक है ना, तो ये उर्दू ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली फॉर क्लास 10th और 12th। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और क्लास 12th के विद्यार्थी हैं, तो ये जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है और ख़ुद से आंसर देने की कोशिश करना है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग के फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट लड़े। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सारा का सारा क्वेश्चन VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद से बताना है। अगर आप लोग नहीं आंसर दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आप लोगों को सही आंसर बताऊंगी ना, तो आप लोग मिला लीजिएगा और उसी वक्त उस क्वेश्चन का सही आंसर याद कर लेना है। ठीक है ना, बाकी मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर सही सही बता पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ाया जा चुका है और जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो उर्दू ग्रामर के सभी के सभी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया प्लेलिस्ट का, आप लोग ज़रूर पढ़ लें, पूरा कवर कर लेंगे तो हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ लिया है, सभी के सभी टॉपिक पढ़ाया जा चुका है और आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और हर एक क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए आप लोग भी रेडी हो जाइए, यानी कि तैयार हो जाइए और पूरा एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन तो बड़ा ही मज़ेदार है और ये जो एपिसोड चलेगा इसमें और भी ख़तरनाक ख़तरनाक क्वेश्चन, और भी मज़ेदार क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी। और आप लोग बिल्कुल भी उर्दू का तो टेंशन लीजिए ही मत, क्योंकि जब तक मैं हूँ तो उर्दू में आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता है, आपका 100 में 100 आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस मैं जैसा कहती हूँ उस तरह आप लोगों को करना है। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक तो आने दीजिए, और भी ख़तरनाक ख़तरनाक और भी धुआंधार और धमाकेदार सीरीज़ चलेगा। अभी तो ये सिर्फ उर्दू ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज़ है ना। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, एपिसोड 2 मिस ना हो जाए। इसकी वजह से चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है तो बस आप लोगों को वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। एक काम ज़रूर करें कि आज के इस वीडियो को आप लोग स्टेटस ज़रूर लगा दें। ठीक है ना, धीरे से आप लोगों को स्टेटस लगा देना है, ताकि जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन, वो भी आपके स्टेटस को देखकर, हो सके तो उनको आज के इस वीडियो से उनका लाभ हो सके, उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, उर्दू ग्रामर मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव, यानी कि मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है और साथ में आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाने वाला है, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हो सकता है आप लोग के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट आप लोग आंसर बताना स्टार्ट कर दे। अपने हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला सवाल है कि यह पुराना मकान है, इस जुमले में मौसूफ कौन है? ऑप्शन ए में है यह, बी में है पुराना, सी में है मकान और डी में है मौसूफ और सिफत। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ और पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ये सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए हलवा लगेगा बताना, जब आप लोगों ने उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़ रखा हो। अगर पढ़े नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, तो आंसर क्या खाक समझ में आएगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप लोग उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को
पढ़ लिए हों। सिफत कहते हैं एडजेक्टिव को, ठीक है ना, जो किसी की विशेषता को बताए, ठीक है, एक मिनट रुक जाए। सिफत एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी की विशेषता को बताए, और मौसूफ कहते हैं जिसकी विशेषता, जिसकी क्वालिटी बताई जाए। यह पुराना मकान है, इस जुमले में, इस सेंटेंस में देखिए, मकान की विशेषता बताई जा रही है कि मकान कैसा है तो पुराना है, क्वालिटी बताई जा रही है कि मकान कैसा है तो पुराना है। तो किस लफ्ज से पता चल रहा है, पुराना से, तो पुराना हो जाएगा सिफत, जो कि विशेषता बता रहा है मकान की, तो पुराना क्या हो जाएगा, सिफत यानी कि एडजेक्टिव। लेकिन ये जो मकान है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो मकान की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि मकान क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मकान दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मकान, इसको धीरे से टिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस जुमले में जो मौसूफ है वो कौन है, मकान है, मकान की विशेषता बताई जा रही है। तो पुराना हो जाएगा सिफत और मकान हो जाएगा मौसूफ। ऑलरेडी ये दोनों टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं, इसी वजह से मैं बोल रही थी कि सवालों का जवाब आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोगों ने उर्दू ग्रामर को पढ़ रखा हो। और लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है उर्दू ग्रामर के प्लेलिस्ट का, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ें। दूसरा सवाल कि तुम कहाँ जा रहे हो, या किस तरह का जुमला है। ऑप्शन ए में है सवालिया, बी में है खबरिया, सी में अमरिया और डी में फजाइया। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें सवाल पूछा जा रहा है ना, यानी कि ये एक सवालिया जुमला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवालिया जुमला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तीसरा प्रश्न है, तीसरा सवाल कि खलवत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए में है रहमत, बी में है जहमत, सी में है जलवत और डी में है जाहिर। तो खलवत, जाहिर सी बात है कि खलवत की जिद, यानी कि अपोजिट वर्ड जलवत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सौगात के मानी क्या हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। सौगात का मतलब होता है तोहफा, तोहफा और सौगात लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए बी में लिखा हुआ है तोहफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मीर एक गज़लगो शायर हैं, इसमें लाहका क्या है। ऑप्शन ए में है मीर, बी में है गज़ल, सी में है गो और डी में है शायर। बताइए लाहका, मैं आप लोगों को ट्रिक ऑलरेडी बताई हूँ, ला से लाहका, लास्ट से लास्ट, सा से साबका और सा से शुरू, यानी कि जो शुरू में जुड़ जाए उसे साबका कहते हैं, जो लास्ट में जुड़े उसे लाहका कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लाहका की पहचान करनी है कि इस सेंटेंस में लाहका कौन है। ध्यान दें यहाँ पर गज़ल गो, गज़ल के लास्ट में जुड़ा है गो, यानी कि गो क्या है, लाहका है। और कौन से ऑप्शन में गो है, तो ऑप्शन नंबर सी में गो दिख रहा है, इसको धीरे से टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस्म की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए में है जिस्में, बी में है जिस्म, सी में है जसाम और डी में है जसीम। ऑलरेडी वाहिद जमा को याद रखने का भी ट्रिक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आप लोग यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं वाहिद जमा बाई मुस्कान मैम, और ध्यान रहे मुस्कान मैम जब सर्च करें ना तो MUSKAA ज़रूर दें, मुस्कान मैम, ठीक है। तो फिर आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैं आप लोगों को वाहिद जमा को पहचानने का ट्रिक बताई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो जिस्म की जमा जो होगा वो होगा अजसाम। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसको धीरे से टिक करके आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं खाता और डॉट 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 नामुकम्मल जुमले को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए, यानी कि यहाँ पर खाली जगह है इसको मुनासिब लफ्ज़ से भरना है। ऑप्शन ए में है, बी में हैं, सी में है हूँ और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए इतना आसान आप लोगों को लग रहा होगा ना, मैं खाता और क्या रहेगा, हूँ रहेगा, है तो होगा नहीं, है तो होगा नहीं और इनमें से कोई तो होगा नहीं, यानी कि हूँ, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप लोग कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन, तो जी हाँ, इतना ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन, इतना ही, जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो फिर आप लोग सोचेंगे कि यस, जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराई थी उसी फॉर्मेट में आप लोगों के एग्ज़ाम में भी उसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या है। ऑप्शन ए में बेपरवाह होना, बी में कान में दवा डालना, सी में नुकसान पहुँचाना और डी में गुरूर करना। तो कान में तेल डालकर बैठना, इस मुहावरे का मतलब होता है बेपरवाह होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीफ की जिद क्या है। ऑप्शन ए में है तौहीन, बी में है तख़सीस, सी में है तनकीर और डी में है तौज़ीह। तारीफ का जिद यानी कि अपोजिट वर्ड तौहीन होगा ना,
जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वह जा रहा है कौन सा सेगा है। जी हाँ, ऑलरेडी मैं आप लोगों को सेगा भी पढ़ा चुकी हूँ, सेगा भी आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। बताइए वह जा रहा है ये कौन सा सेगा है। ऑप्शन है मह वाहिद गायब, बी मह जमा गायब, सी मह वाहिद हाजिर और डी मह जमा हाजिर। कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें। 10 नंबर सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सेगा से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो वह जा रहा है, सबसे पहले तो वह हो जाएगा गायब, और वह क्या वाहिद है कि जमा है, तो वह लोग होता तो जमा होता, वह है तो वाहिद है, तो वाहिद और गायब, वाहिद गायब, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है कि पानी फिरना से क्या मुराद है। ऑप्शन ए में उम्मीद ख़त्म होना, बी में है उम्मीद होना, सी में है पानी ख़त्म होना और डी में है पानी भरना। तो पानी फिरना इस मुहावरे का मतलब होता है, मतलब इसका मुराद होता है उम्मीद ख़त्म होना, पानी फिरना यानी कि उम्मीद ख़त्म होना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबका तलाश कीजिए, यानी कि साबका वाला लफ्ज़ आप लोग को पहचानना है कि कौन से लफ्ज़ में साबका लगा हुआ है। ऑप्शन ए में खुर्दमंद, बी में है दानिशमंद, सी में है शफाखाना और डी में है जी शऊर। जी शऊर जाल से रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जे से हो गया है मिस्टेक से, उर्दू टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, तो उस पर आप लोग गौर ना करें, यहाँ पर थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगी, जाल से रहेगा, ठीक है, जी शऊर। तो साबका वाला लफ्ज़ कौन सा है जो शुरू में जुड़ जाए, स से साबका और स से शुरू। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सबसे पहले तो खुर्द और लास्ट में मंद, ये तो लहका वाला लफ्ज़ है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। दानिश और लास्ट में जुड़ा हुआ है मंद, तो ये भी तो लहका वाला लफ्ज़ है, ये भी नहीं होगा। शफा और लास्ट में खाना जुड़ा हुआ है, ये भी लास्ट में है, यानी कि ये भी लहका है, ये भी नहीं होगा। शऊर था और स्टार्टिंग में शुरू में जुड़ा हुआ है जी शऊर, तो जी हाँ यही है साबका वाला लफ्ज़, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 13 नंबर सवाल है कि दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए में अफवाह, बी में बाग, सी में अजान और डी में बंदूक। कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर यानी कि पुल्लिंग है, ये भी बहुत आसान है। अफवाह फैली हुई है, फैला हुआ नहीं, फैली हुई है, यानी कि ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। बाग, जी हाँ, तो बाग ये लफ्ज़ जो है ना, ये मुज़क्कर लफ्ज़ है। 13 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आब करना मुहावरे का मानी क्या होगा। ऑप्शन ए में है पानी पानी करना, बी में शर्मिंदा करना, सी में पानी में डुबो देना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आब करना इस मुहावरे का मानी होता है शर्मिंदा करना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह बात नामुमकिन है, इस जुमले में साबका क्या है। ऑप्शन ए में है मुमकिन, बी में है ना, सी में है बात और डी में है यह। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग आसानी से आंख बंद करके भी बता सकते हैं। इस जुमले में आप लोगों को साबका की पहचान करनी है, और साबका कौन सा है, देखिए मुमकिन के आगे ना जुड़ा हुआ है ना, नामुमकिन हो गया, यानी कि ना क्या है, ये एक साबका है क्योंकि ये शुरू में जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में ना है, इसको धीरे से टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में, ज़ाल से रहेगा यहाँ पर, तो ज़ैल में कौन सा जुमला दुरुस्त है। ऑप्शन ए में है महमूद जाता है, देखिए ये वाला है नुगुन्ना वाला, और बी में है महमूद जाए हैं, सी में है महमूद ने कहा है और डी में है महमूद कहाँ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद ने कहा है, क्योंकि देखिए महमूद जाता है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और महमूद जाए हैं ये तो एकदम डायरेक्ट ही गलत लग रहा है, ना तो ए होगा ना तो बी होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, महमूद ने कहा है, ठीक है, ये सही जुमला है, परफेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दर्ज ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर यानी कि पुलिंग है। ऑप्शन ए में रहमत, बी में सेहत, सी में जहन्नुम और डी में जन्नत। तो इस सवाल का सही जवाब है, बताएं, खुदा की रहमत बरस रही है, यानी कि रहमत आप लोग जानते होंगे ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, तो ये मुअन्नस हो जाएगा मुज़क्कर, तो ये भी नहीं है। सेहत, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, जहन्नुम, ये एक मुज़क्कर लफ्ज़ है यानी कि पुलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दर्ज ज़ैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है। अब बताइए कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ कौन सा है। ऑप्शन ए में है कुतुब खाना, बी में है मालिक, सी में है मजमून और डी में है खुशबू। तो मुअन्नस लफ्ज़ है खुशबू,
कहीं से किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, आ रही है, आ रहा है नहीं, आ रही है, यानी कि खुशबू क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से मुजक्कर की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए में है तालीम, बी में है खुशबू, सी में है मौत और डी में है अखबार। तो मुजक्कर यानी कि पुलिंग लफ्ज़ की पहचान करनी है आप लोगों को, तो वो बता दे कौन सा है। देखिए तालीम, तालीम लेनी चाहिए, ठीक है, तो ये मुजक्कर नहीं है, ये तो मुअन्नस है, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। खुशबू आ रही है, ये भी एक मुअन्नस लफ्ज़ है, मुजक्कर नहीं है, तो भी नहीं होगा। मौत, मौत हो गई, ठीक है, उनकी मौत हो गई, किसी की मौत हो गई, मान लीजिए मौत हो गई, यानी कि मौत हो गया नहीं, मौत हो गई, ठीक है, तो मौत क्या है, ये भी एक मुअन्नस ही लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यही तो बच जा रहा है लास्ट में, अखबार क्या है, एक मुजक्कर लफ्ज़ है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि जवाल की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन ए में है जमाल, बी में है मिसाल, सी में है उरूज और डी में है ख्याल। तो जवाल की ज़िद यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा उरूज, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन उर्दू ग्रामर का कम्प्लीट कर चुके हैं, और 20 में से आप लोग अपने हिसाब से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बता दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया, अगर समझ में आए तो देन वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आज के इस वीडियो से रिलेटेड, देन कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दे, हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ्यूजन को क्लियर कर दूँ। बाकी अब हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, उर्दू ग्रामर का 20 क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 2 में करेंगे। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगला आप लोगों का जो टारगेट यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में जो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 20 में 20 क्वेश्चन सही करने की, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहिएगा 20 में 20 क्वेश्चन करने के लिए, 20 में 20 नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।